भिवंडी शहर खाड़ी पार से बंदर मोहल्ले व मंडई को जोड़ने वाले जर्जर व खस्ता हाल पुल की मरम्मत के लिए स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर लोगों से मांगा चंदा। ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों व सत्ता में बैठे नकारा व निकम्मे नेताओं के लिए शर्म की बात है। MSRTC का ऐलान, महाराष्ट्र में 75 साल से अधिक उम्र के लोग ST बसों में फ्री यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि 75 साल से अधिक उम्र के कितने लोग ट्रैवलिंग करने के काबिल होते हैं। बहुत जगह है, बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोल ले, बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत। गुजरात बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के से दहशत में 70 मुस्लिम परिवारों ने छोड़ा गांव। अर्जुन ने जीता अबुधाबी मास्टर्स खिताब, तीसरी सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय चेस खिलाड़ी बने। एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी के ऊपर 2.2 लाख करोड़ का कर्ज, एजेंसियों ने चेताया अगर अडानी डूबे तो भारत हो जाएगा दिवालिया। फिच रेटिंग एजेंसी। ये जोमेटो डिलीवरी बॉय अपने दो छोटे मासूम बच्चों को पूरा दिन साथ लेकर अपना काम अंजाम देता है और अपने करियर को कामयाबी की दिशा देने का प्रयास करता है। हमें इनसे सीखना चाहिए कि इंसान अगर चाहे तो मेहनत से कामयाबी जरूर हासिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि पेगासस के अनधिकृत इस्तेमाल की पड़ताल के लिए बनाए गए तकनीकी पैनल ने 29 मोबाइल फोन में से 5 में कुछ मालवेयर पाया है, लेकिन ये निष्कर्ष नहीं किया जा सकता कि ये इजरायली स्पाईवेयर ही था। साथ ही कोर्ट ने कहा, भारत सरकार ने सहयोग नहीं किया, आप यहाँ वही रुख अपना रहे हैं जो आपने पहले अपनाया था। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आजाद ने अपनी नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस की प्रचार समिति के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आजाद ने प्रचार समिति से इस्तीफा देते समय स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। देश के कई हिस्सों में शिक्षा के लिए बच्चों को खासी जद्दोजहद करनी पड़ती है। मध्य प्रदेश के उमरिया से 20 किलोमीटर दूर ग्राम सरसवाही में बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान हथेली पर रखकर नदी पार करनी पड़ती है। नदी पर बना पुल सालों पहले टूट गया था। आपको आज का मिरर हेडलाइन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप भी कर रहे हैं किसी तरह की समस्या का सामना तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि भिवंडी मिरर जनता से जुड़ी समस्याओं को दिखाने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता।